बाबा अद्भुत है, पूरे देश के बाबा अद्भुत है। एक बाबा हरिद्वार में हनी बेचता रहा और हरियाणा में एक बाबा को हनी बेच गई। दोनों अद्भुत हैं। मुझे तो अभी दूसरे वाले मिल गए थे हरिद्वार वाले दिन जहाज में। भाई क्या मार्केटिंग है, आप उनसे सीखिए क्या बेचा है सामान। ओहो कमाल, रामदेव जी का मैं बड़ा फैन हूँ और मेरे वो बड़े प्रशंसक हैं। अभी मुझे जहाज में मिले थे बिजनेस क्लास में, अपने जहाज से नहीं जा पाए तो अचानक कहीं जा रहे थे तो उन्होंने मुझे, हाँ इसमें है कि क्या बात है, तो उन्होंने मुझे टूथपेस्ट दिया। बोले देखिए मैंने नया टूथपेस्ट बनाया है। मैंने कहा इसमें क्या है स्वामी जी? बोले इसमें जायफल है, जावित्री है, लवंग है, तेजपात्र है, पंचगव्य है। मैंने कहा मुंह में मंजन करना कि हवन कराना है? हवन कराना वाह। लेकिन सामान कमाल का बेचा है, ऐसा बेच दिया कि कॉलगेट तक को वेद शक्ति निकालना पड़ गया। हाँ मैंने पूरा वेद पढ़ा कि इसमें मंजन का कोई लिखा हो, कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ था। और आज सबसे अच्छी बात यह है कि सपरिवार जो लोग बैठे हैं वो पत्नियों के साथ भी हंस पा रहे हैं। इसके लिए आज सचमुच नारी शक्ति का दिन है। आप देखिए देश में नारी शक्ति कितनी, रक्षा मंत्रालय महिला के पास, विदेश मंत्रालय महिला के पास, बेचारे राजनाथ जी घर संभाल लें, गृह मंत्रालय वो कई बार सोचते होंगे कि मैं कर क्या रहा हूँ इससे ज्यादा। और आप तो मतलब जितनी भी महिलाएं बैठी हैं आपको प्रणाम करता हूँ, जो जीवन में आप पुरुष के क्रांति लाती हैं वो क्या गांधी जी लाएंगे क्या अन्ना हजारे, जो आप चमत्कार करती हैं। और ये बड़ा सुनियोजित तरीके से होता है। अफेयर के दिनों में मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि एक बार मैं आपकी लाइफ में आ गई ना तो मैं आपके आधे गम ले लूंगी। तो मैंने कहा गम? अपनी लाइफ में तो गम है ही नहीं। अरे बोले एक बार लाइफ में आने तो दो। सबसे गम ही बट रहे हैं। अच्छा इसमें क्या होता है, बड़े प्रोसेस में आप महिलाएं भाभियां बैठी बड़े प्रोसेस में मेहनत करती हैं, सगाई के दिनों से अफेयर्स के दिनों से अपने प्लॉट पे काम शुरू करती हैं। पहले उसकी शराब छुड़वाती हैं, फिर बियर छुड़वाती हैं, फिर सिगरेट छुड़वाती हैं। क्या एस्ट्रे जैसा मुंह बना रखा है, यही तो अनुभव में हंस रहे हैं। फिर दोस्त बदलवाती है, नीला वाला ठीक नहीं है, पीला वाला ठीक है। और 8-10 साल में जब वो परम संतत्व को प्राप्त हो जाता है तब एक दिन रात को उससे बालकनी पे बैठ के कहती है अब आप पहले जैसे नहीं रहे। मैंने कहा बेचारे का पूरा सिस्टम फॉर्मेट मार दिया, किसका एंटीवायरस चढ़े। अच्छा ये ऐसा नहीं है राहत भाई के हिंदुस्तान में, ये पूरी दुनिया में है स्त्रियों का ऐसा जो परम आतंक है पुरुषों के ऊपर। मैं सर ब्रिस्बेन गया था ऑस्ट्रेलिया में, आप लोग भी गए होंगे वहाँ। एक जैसे इनके नेता बैंकॉक जाते हैं वो बीच में 2-3 महीने गायब हो गए थे तो अखबार में खबर छपी कि उत्तराखंड के जंगलों में देखे गए, जैसे होता ना तेंदुआ देखा गया। फिर आके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि नहीं मैं उत्तराखंड नहीं गया था, मैं बैंकॉक गया था चिंतन करने। रोटरी वालों मैं भी कई बार बैंकॉक गया हूं, वहां कुछ भी हो सकता है चिंतन में। और जो लोग ताली बजा रहे हैं लग रहा है उन्हें देख के कि आप भी काफी चिंतन करके आए हो। तो मैं ब्रिस्बेन गया साहब, वहाँ गोल्ड कोस्ट बीच है ना, एक गोल्ड सोने जैसा एक जगह है, बहुत बढ़िया। तो हमें घुमाने हमारा आयोजक ले गया था, उसने हमको कहा कि साहब ये देखिए यहाँ समुंदर है इतना अच्छा और सोने जैसा एकदम माहौल है। तो मैं खड़ा हो गया ऊपर जाके, 64वीं मंजिल पे एक होटल है वहाँ देखने लगा। थोड़ी देर बाद वहाँ एक चाइनीज लड़के लड़की आए, होते ना वो पॉकेट साइज, हाँ छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरा मदन गोपाल, वो दोनों आए तो उन्होंने अपना च्या प्या क्यों कहा, आधा पौन घंटे तक क्यों ना कुछ देखने दे ना कुछ करें, जोर जोर से बोले। तो मेरा मैनेजर आया, बोले सर कितना सुंदर लगा, आपने फोटो खिंचवाए कि नहीं खिंचवाए? मैंने कहा भाड़ में गए फोटो, ये तो दोनों पति पत्नी लड़ते रहे, मैं इन्हीं को देखता रहा। मुझसे बोला सर आपको कैसे कन्फर्म है पति पत्नी है, हो सकता है इसकी गर्लफ्रेंड हो? मैंने कहा शर्त लगा ले 1000 रुपए की, उसने लगा ली। उन दिनों चलता था
दुर्घटना के बाद बंद हुआ. तो उसने लगा ली साहब. वो जाके उस लड़के से बोला कि इज शी योर गर्लफ्रेंड. वो चाइनीज बोला न्यो न्यो माय वाइफ माय वाइफ. तो 1,000 रुपए हार गया लड़का. वो सिडनी जाते हुए मुझसे बोला कि सर बाकी सब तो ठीक है, आप 1,000 रुपए ले लो सर, पर आप ये बताओ आपको कैसे पता चला ये पति पत्नी है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है. मैंने कहा देख मैंने उनकी बातें सुनी. बोला अच्छा आपको चाइनीज भी आती है. मैंने कहा चाइनीज नहीं, हरकतों से पता चला. बोले कैसे. मैंने कहा वो महिला 15 मिनट लगातार बोलती थी कुछ यूं यूं जी क्या हो रहा, और वो बेचारा पति कहता था धड़ झलक आया. आप लोग जो कष्ट में हैं वो थोड़ा आनंदित मुद्रा में बैठिएगा. मैं 4 पंक्तियां सुनाता हूँ, निवेदन करता हूँ.